टिकटॉक फिर से वापस आ रहा है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। जस्ट अभी इंतजार है, डेट कंफर्म नहीं है, पर कैसे टिकटॉक वापस आ रहा है वही आज का सीन है इस व्लॉग का। तो दोस्तों टिकटॉक कैसे वापस आ रहा है, चलिए इस चीज को समझने के लिए आपको चार बेसिक स्टोरी को समझना पड़ेगा। चार बेसिक स्टोरी मतलब जो टिकटॉक बैन होने के बाद चार इंसिडेंट हुआ है टिकटॉक के लिए, वो अगर समझ जाओगे एवरी कैलकुलेशन विल बी गॉट टू नो बाय यू, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे टिकटॉक फिर से रिटर्न ऑफ टिकटॉक, टिकटॉक पार्ट टू जो भी बोल लो, टिकटॉक इज कमिंग बैक इन इंडिया। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप कम्प्लीटली बिलीव कर सकते हो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का सोर्स है इंडिया का लेडी न्यूज़ चैनल्स लाइक आज तक, एनडीटीवी इंडिया, इंडिया टुडे न्यूज़ और सम ऑनलाइन इंग्लिश पोर्टल्स, वो सभी को मैंने निचोड़ के जो पूरा इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू आउट टुडे आप कम्प्लीटली बिलीव कर लो, ये एकदम सच है, टिकटॉक कन्फर्मली वापस आ रहा है। तो चलो ट्राइपॉड को इधर उधर घुमाने का काम अगर हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एक ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ट्राइपॉड को इधर रखो उधर लगो, लोकेशन चेंज करो, क्योंकि जो आप लोग देखते हो व्यूअर्स एक ही अगर शॉट में देखोगे ना एक ही चीज़ के ऊपर तो आप ज़्यादा देर स्टे नहीं करोगे, बोर हो जाओगे। तो शॉट को चेंज करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तो मुझ जैसे जो यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत ही एक परेशानी वाली थिंग है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। हाँ फिर से शॉट चेंज क्योंकि ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना है। सो गाइस लेट्स कम टू द पॉइंट, टिकटॉक बैन होने का जो पर्पस था क्योंकि इंडिया चाइना का टेंशन, अकॉर्डिंग टू आवर क्या बोलो जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट, हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर रहा था चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू द टिकटॉक, इसीलिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया है टू पनिश अवर नेबर चाइना। तो बट अभी क्या हो गया है, चाइना के तो लिए बैन हो चुका है बट टिकटॉक सिर्फ इंडियंस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, टिकटॉक ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑल्सो इन USA इन अमरीका, अमरीका में भी ये बहुत ही प्रॉब्लम है। अमरीका का जो प्रेसिडेंट है वो भी बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है टिकटॉक चोर है, टिकटॉक चोर है, टिकटॉकर्स नहीं टिकटॉक चोर है, गलत मत समझो, टिकटॉकर्स चोर है, वो सब इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं जो लोग यूजर्स का, और ये बेच देते हैं दे देते हैं उसका गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसीलिए इंडिया में बिजनेस बैन हो जाने के बाद टिकटॉक एक बहुत ही ड्रास्टिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहा था, ऑलरेडी 3 बिलियन और मिलियन समथिंग एक ह्यूज अमाउंट होता है, मिलियन बिलियन ऐसे कितना होता है मुझे एग्जैक्टली पता है बट अमाउंट कितना होता है अभी मैंने देखा नहीं है, सपने में भी नहीं आता है, 1,000-2,000 लाख सिर्फ आता है, करोड़ मिलियन बिलियन नहीं आता है। तो ऐसे ही मिलियन बिलियन डॉलर का लॉस ऑलरेडी टिकटॉक का हो चुका है। उसके बाद आता है नया ट्विस्ट, ऑलरेडी टिकटॉक का जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस है एक बहुत ही यू नो जो खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, उसके बाद चला US का डंडा, US के लोग भी बोला इतना बोला जो हम लोगों को US गवर्नमेंट ने बोला टिकटॉक US से भी बैन कर दिया जाएगा। तो भाई जो एंटायरली ऑर्गेनाइजेशन इतने साल से कम कर रहा था इतना लॉस में चल रहा है इंडिया में बैन होने के बाद, अगर फिर से US भी बैन हो जाता है तो ये बिग प्रॉब्लम हो जाएगा टिकटॉक के जो यू नो जस्ट लाइक स्टाफ से फाउंडर मेंबर है CEO या प्रेसिडेंट है, एक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस वो लोग झेल नहीं सकता है, तो टिकटॉक को बंद करना वो लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए दे हैव टेकन अ डिफरेंट डिसीजन, और वो डिसीजन भी वो लोग खुद ब खुद नहीं दिया, US गवर्नमेंट ने उसको फोर्स किया, भाई हम लोग आप लोगों को 45 डेज का टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर अंदर आप टिकटॉक को बेच दो कोई US कंपनी को और टिकटॉक को भाई हम लोग यहाँ से कम्प्लीटली बैन कर देंगे। बट मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट टिकटॉक ऐसा कंडीशन में ही नहीं है वो इतना बड़ा फाइनेंशियल यू नो मुक्का संभाल सके, तो उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है टिकटॉक को बेचना है, पर किसको बेचे किसको बेचे ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बट इस टिकटॉक खरीदने के लिए तीन कंपनी, इसमें से एक तो है US का कंपनी और एक है इंडिया का कंपनी, हम लोगों का देश का ही एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, आई एम डिस्क्लोजिंग द ऑल शॉर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, उसने भी इंटरेस्ट दिखाया और टिकटॉक वालों ने तीनों कंपनी के साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही साथ बात कर रहे हैं। पहले तो वो लोग बात कर रहे थे दुनिया का एक बहुत ही बड़ा कंपनी, आप सभी ने सुना है शायद, आपका जो PC है उसका ही है, दैट इज़ द
माइक्रोसॉफ्ट, नॉट माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का बहुत बड़ा कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से लोग बात कर रहे थे, चलो यार माइक्रोसॉफ्ट को बेच देंगे। टोटल यूएस ऑपरेशन, देखो यहाँ पर दो चीज़ हुआ है, टिकटॉक सिर्फ यूएस और इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया के बहुत ऐसे कंट्री में है। बट टिकटॉक ने पहले बोला नहीं, हम टिकटॉक पूरे टिकटॉक को नहीं बेचेंगे, जो अमेरिका का जो टिकटॉक है, अमेरिका जो इंटर ऑपरेशन होता है, यूएस का जो ऑपरेशन होता है, उसको ही सिर्फ हम लोग बेचेंगे। तो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट को ये वो चीज़ वो वाला चीज़ खरीदना है, ऐसा नहीं है पूरा दुनिया इंडिया वर्ल्ड का जितना भी टिकटॉक है, मीन्स चाइना में भी जो टिकटॉक यूजर्स है उसका जो ऑपरेशन वो बेच नहीं रहा था, सिर्फ यूएस का टिकटॉक का ऑपरेशन बेच रहा था माइक्रोसॉफ्ट को। बट वहीं पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि यूएस ने बोला नहीं, हमको सिर्फ यूएस का ऑपरेशन नहीं, पूरा दुनिया का ऑपरेशन चाहिए। मीन्स टिकटॉक जिस जिस मुल्क में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, अटलांटिक में है, कहीं भी है, दुनिया में पानी के नीचे ऊपर है, कहीं भी टिकटॉक है, वो पूरा ऑपरेशन हम लोगों को चाहिए, सिर्फ यूएस का ऑपरेशन नहीं, वी नीड द कंप्लीट थिंग। तो वहाँ पर एक बात चल रहा था, हम लोग पहले एश्यूम कर रहे थे यूएस वाला जो टिकटॉक, मीन्स टिकटॉक पूरा इंडस्ट्री का जो यूएस का जो ऑपरेशन लोग बेच देगा, थ्रू यूएस टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाएगा। बट इट विल टेक सम टाइम, बट जल्दी भी आ सकता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सेटअप इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। बट उसके बाद ये पता चला, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर, जो ट्विटर एक बहुत ही बड़ा और भी एक बहुत ही बिग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्विटर इज शोइंग द इंटरेस्ट टू परचेज द टिकटॉक। और उसके लिए टिकटॉक के जो एडमिनिस्ट्रेटर, उन लोगों के साथ वो लोग बात भी कर रहे थे। और यहाँ पर गेम थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होता है एक इंडियन बहुत ही फेमस बिजनेसमैन का, पता है कौन है वो? और वो इंडियन बिजनेसमैन है मिस्टर मुकेश अंबानी, और कौन हो सकता है। मुकेश अंबानी के साथ लास्ट 10-15 दिन से बातें चल रहा है इंडिया में फिर से ट्विटर को, टिकटॉक को लॉन्च करने के लिए। अगर मुकेश अंबानी टिकटॉक को खरीद लेगा तो टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा, बट अभी ये टिकटॉक हो जाएगा मेड इन इंडिया वाला टिकटॉक, नॉट मेड इन चाइना वाला टिकटॉक। बट यहाँ पर भी तो सेम इशू, अभी डिस्कशन चल रहा है पूरा टिकटॉक खरीदना है, और टिकटॉक का सिर्फ जो इंडिया का जो ऑपरेशन है, इंडिया में सपोज मान लो 100 यूजर्स है, उस 100 यूजर का जो ऑपरेशन है वो खरीदना है, कौन सा चीज़ खरीदना है वो में अभी बात चल रहा है, दैट इज़ नॉट येट फाइनलाइज। तो आप सोच सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अंबानी, ये सब मिलके अभी कोशिश कर रहे हैं टिकटॉक को फिर से खुद के टीम में, खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मार्च करने के लिए। बट अभी टिकटॉक भी डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज भाई ये करोड़ों अरबों का बिजनेस डील है, हम लोग का जो गरीब यूट्यूबर्स है, हम लोग सोच इतना जो अमाउंट हम लोग सपनों में भी नहीं आता है, तो वी कांट से दैट कब होगा, बट बहुत जल्दी होगा और कन्फर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई हैव नो प्रॉब्लम विद द टिकटॉक, बट मेरा प्रॉब्लम है दो चीज़ के ऊपर। एक है दैट आई टोल्ड यू दैट इज इट इज़ अ चाइनीज ऐप, चाइना लोग अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन छुड़ाता है दैट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्सर्न। और दूसरा जो टिकटॉकर्स, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बिकॉज बहुत ऐसे अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, हिमेश मदान जैसे एक वर्ल्ड फेमस नहीं, इंडिया फेमस एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी टिकटॉक करता है, नाच वाला गाना वाला टिकटॉक नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो छोटे छोटे एक दो में एक मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देते हैं। सो वर्कआउट का वीडियो भी एक मिनट के अंदर आता है, बट इतना काम का नहीं, एक मिनट में क्या वर्कआउट सिखाएगा बंदा, तो आता है। बट मुझे प्रॉब्लम है कुछ ऐसे गंदे यूजर्स है, उन लोगों का कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टिकटॉक में वीडियो दे दिया दूसरे का कॉपी करके चोरी करके। मैं पहले भी एक वीडियो बना था, मेरा ही कंटेंट चोरी करके टिकटॉक में डाल दिया गया था किसी दूसरे यूज़र ने, और उसका मिलियन व्यू आया। भाई मेरा तो नहीं आता है, बट उन लोगों का कैसे आ जाता है पता नहीं। मैं टिकटॉक नहीं करता हूँ, मेरा टिकटॉक में अकाउंट था बट अभी तो नहीं है, मैंने सिर्फ एक और दो ही वीडियो बना था, उसके बाद मुझे तो यूट्यूब ही अच्छा लगता है, बिकॉज यूट्यूब के साथ एक अच्छा यू नो इमोशंस है, एक इमोशन तो छोड़िए एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा फीलिंग्स है। सो आई लव टिकटॉक, आई लव यूट्यूब। अगर टिकटॉक इंडियन वर्जन में आ जाता है, मुकेश अंबानी खरीद लेता है, और अगर यूएस से थ्रू भी आता है, यूएस अमेरिका के थ्रू भी इंडिया में आ जाता है, तब मैं सोचूंगा आई मे मूव ऑन फॉर द टिकटॉक एज अ देसी यू नो जस्ट लाइक ए टिकटॉकर। सो गाइस ये था टोटल इन्फॉर्मेशन, टिकटॉक आ रहा है कन्फर्म मान के चलिए। जो लोग बहुत दिनों से उदास थे, रो रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, आई नो लॉट ऑफ पीपल, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त लोग, इवन माई सिस्टर शी इज ऑल्सो टिकटॉकर, तो लोग का हाल बहुत ही यू नो फ्रस्ट्रेटिंग तरीके, सालों साल भर सारे लोग मेहनत कर रहे थे, अचानक से टिकटॉक
खत्म हो चुका था, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है भाई, चिंता मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबुर का बल मीठा होता है। भगवान कृष्ण ने बोल के गया था, कौन बोला था, भगवान कृष्ण नहीं तो बोला था, जो भी बोला था ठीक ही बोला था, सबुर का बल मीठा ही होता है। सो दोस्तों ये था टोटल इन्फॉर्मेशन जो क्या खिचड़ी पकड़ाया बैक एंड बिहाइंड द सीन, हम लोग का एक होता है ना बिहाइंड द सीन प्रोजेक्ट, तो टिकटॉक का ये है बिहाइंड द सीन प्रोजेक्ट अभी, तो क्या चल रहा है, तो कोई भी खरीद लेगा तो इंडिया में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, दैट इज ऑल द लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो गाइस टिकटॉक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, और एज आई टोल्ड यू दैट जो पूरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है दैट आई कलेक्टेड फ्रॉम द आज तक, फ्रॉम द एबीपी, फ्रॉम द न्यूज इन इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स। तो आप बिलीव करके चलो टिकटॉक इज कमिंग बैक वेरी सून, जल्दी जल्दी वापस आ रहा है। सो अच्छे से रहो, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाओ, मेरा वीडियो देखो, टिकटॉकर्स का वीडियो देखो, कहीं का वीडियो देखो, जो आपको अच्छा लगे देखो, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू फॉर योर नॉलेज पर्पस। दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग अबाउट द टिकटॉक, ये टिकटॉक यूट्यूबर का कोई कॉम्पिटिशन वाला व्लॉग नहीं है, बाहर बहुत ही ना बढ़िया सा हवा चल रहा है, फीलिंग सो गुड, देख सकते हो यहाँ पर एक जो शेडो इधर उधर मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा हवा चल रहा है। सो गाइज ये तो ओवरऑल व्लॉग, छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया आपको इन्फॉर्म करने के लिए, कैसा लगा व्लॉग जरूर कमेंट्स करो, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वो भी जनाओ, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने व्लॉग बनने का कोशिश किया, थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर करके थक चुका हूँ, और फ्रेम मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये फिक्स फ्रेम अभी यहाँ पर क्लोज करूँगा, ये फ्रेम चेंज करके करके व्लॉग ये कैसा लगा वो भी थोड़ा सा बताइएगा, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई व्लॉगिंग स्टाइल। सो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बेस्टीज, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।